आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। जिला गुना कलेक्टर परिसर में लगभग 5 घंटे से प्रदर्शन कर रहे पीईबी घोटालों को लेकर छात्र छात्राओं ने जमकर की सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। नारेबाजी करते हुए छात्रों ने कहा, संविदा शिक्षक पात्रता वर्ग 3 सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक करने वाले दोषियों पर उचित कार्रवाई हो। वहीं प्रदर्शन के दौरान पलक शर्मा छात्रा हुई बेहोश। छात्रों का आरोप, समय पर नहीं आई एम्बुलेंस। छात्रों ने पहुंचाया छात्राओं को अस्पताल। छात्रों की मांग थी गुना कलेक्टर को ही देंगे 9 सूत्री ज्ञापन। गुना SDM वीरेंद्र बघेल ने छात्रों को समझाने की कोशिश की। SDM ने कहा, मैं भी कलेक्टर के द्वारा भेजा हुआ प्रतिनिधि हूँ, मुझको आप ज्ञापन दे सकते हैं। पर छात्र अड़े रहे कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए। SDM के बुलाने पर आनन फानन में गुना ADM व अपर कलेक्टर आए। छात्रों के बीच में ADM ने भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाइश दी व ADM अपर कलेक्टर को छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्री ज्ञापन दिया। गुना से राहुल चौरसिया की रिपोर्ट। आप जो अभी गुना कलेक्टर परिसर में कलेक्टर साहब को आवेदन देने आए थे ज्ञापन के माध्यम से, क्या आवेदन है? आवेदन कलेक्टर महोदय के पास, MP पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का जो नॉर्मलाइजेशन और जो रिजल्ट घोषित किया है उसको लेकर है, और मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद। तो जो आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो पेपर लीक वाला आप जो बयान बता रहे हैं, क्या आपके पास इसका कुछ एविडेंस है? जी, प्रतिलिपि है हमारे पास, है आपके पास इसकी? तो आपने इसका गुना कलेक्टर मोदी को बताया अभी जो ADM मोदी आए थे? प्रतिलिपि हमने साक्ष्य सारे साथ में दिए हैं ज्ञापन के साथ। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही है कि शीघ्र से शीघ्र हमारे इन मुख्य बिंदुओं पर निराकरण निकाला जाए, हमारी मांगों को स्वीकार किया जाए शीघ्र से शीघ्र। जो अभी आप यहाँ कितने घंटे से लगातार आप यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं? यहाँ बैठे हुए थे, 5 घंटे होने को जा रहे हैं। हमारी एक आपकी क्या मांग थी जो आप यहाँ नारे वगैरह लगा रहे थे कलेक्टर परिसर में? हमारी मांग यही थी कि कांस्टेबल का जो रिजल्ट था उसको सही तरीके से दोबारा दिया जाए। तो अभी जो कलेक्टर साहब के आप बता रहे थे कलेक्टर साहब नहीं आएंगे जब तक आवेदन नहीं लिया जाएगा? जी, अब कलेक्टर साहब ने जो अपने प्रतिनिधि भेजे थे। आपने किसको दिया आवेदन? अभी ADM साहब, अपर कलेक्टर, अपर कलेक्टर साहब और ADM साहब को। तो आप बता रहे थे छात्रा भी यहाँ आप काफ़ी देर से आपके साथ बैठी हुई थी, वो बीमार वगैरह हुई थी, क्या बता रहे थे आप? अभी छात्र, हमारी छात्रा बेहोश हो गई थी, क्या कारण था उनका बेहोश होने का? सर, बहुत टाइम हो गया था, तो भूखी प्यास से वहाँ से रैली में आई है सर, यहाँ पर भी, और सुबह से भूखी भी थी और यहाँ पर काफ़ी टाइम वो वेट भी कर रही थी, और मेंटली उसके अंदर टेंशन भी बहुत ज़्यादा, और ये प्रेशर अलग बन गया था, कलेक्टर साहब आ नहीं रहे थे। क्या नाम था उन छात्रा का? पलक शर्मा। पलक शर्मा अभी कहाँ है वर्तमान में? वो गुना हॉस्पिटल।